हेलो गाइस, मैं हूं हमीम शेख और आप देख रहे हैं मेरा शेख हमीम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सऊदी अरब के अंदर बैंक में से पैसे भेजने के लिए कैसी भीड़ होती है, ये मैं आपको आज बैंक के अंदर जाके बताने वाला हूं। दोस्तों, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, फिलीपीन, हर तरफ के लोग सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए हैं और ये लोगों को अपने देश को पैसा भेजने के लिए बैंक में जाकर रुकना मांगता है और बैंक में जाकर लाइन में खड़ों के पैसे उनको अपने देश को भेजना मांगता है। तो किस तरह से भीड़ होती है बैंक के अंदर, ये मैं आज मेरे इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, 28 तारीख से लेकर 10 तारीख के दरमियान में लोगों के पेमेंट होते हैं यहाँ पर। तो जब पेमेंट होते हैं तो अपने देश को लोग पैसा भेजते हैं, तो जाकर बैंक में लाइन में ठहर कर, यहाँ पे तो दो चार अलग अलग बैंक हैं जहाँ उस बैंक में से पैसा भेजा जाता है, वेस्टर्न यूनियन से भी भेजा जाता है। और दोस्तों, अलराजी बैंक है, तहवील की अलराजी बैंक है, एनसीबी की बैंक है, और इंजाज बैंक है, और फौरी बैंक है। लोगों को जहाँ से ज़्यादा रेट लगता है वहाँ पर जाके अपने अपने सहूलत के हिसाब से लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ से लोग इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन, श्रीलंका, नेपाल, सब कंट्री के लोग यहाँ पे काम को है। तो सब कंट्री के लोग जाके बैंक में लाइन में ठहर के अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से जाके लोग बैंक के अंदर जाकर अपने मुल्क को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो किस तरह से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, इसका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अब बैंक की तरफ। बैंक में जाके मैं आपको बताऊंगा कि कितनी भीड़ है पैसों भेजने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम बैंक की तरफ। हाँ, तो दोस्तों, ये है फवारी वाली बैंक और ये है तहवील अलराजी वाली बैंक, ये इंजाज बैंक है जहाँ से लोग जहाँ अपनी सहूलत के हिसाब से पैसा भेजते हैं, और ये है एनसीबी बैंक। तो मैं आपको ले चलता हूँ बैंक के अंदर। आपको अभी हम बैंक के बाहर हैं, मैं आपको ले चलता हूँ बैंक के अंदर। अब हम जा रहे हैं बैंक के अंदर, तो मैं आपको इस बैंक के अंदर लोगों की भीड़ बताने वाला हूँ जो अपने अपने मुल्क को पैसा भेजने के लिए किस तरह से लाइन में ठहरते हैं। दोस्तों, एक एक घंटा नंबर नहीं आता है, लोग 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा लाइन में ठहरते हैं। यहाँ पे लेडीज़ भी हैं जो कि फिलीपीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर तरफ के लोग होते हैं। ये मैनेजर का कैबिन है, ये सेल्फ सर्विस का एटीएम है, ये सेल्फ सर्विस वाला एटीएम है जहाँ से पैसा अंदर डाल के ट्रांसफ़र करते हैं। और ये आप देख सकते हैं बैंक के अंदर लोगों की भीड़। वैसे तो दोस्तों कोई एक काउंटर नहीं, यहाँ पे चार पांच काउंटर है, चारों पांचों काउंटर पे इस तरह की भीड़ लगी हुई है पैसा भेजने के लिए। जब लोगों का सैलरी मिलती है, पेमेंट मिलता है, तो लोग इस तरह से बैंक में आकर लाइन में ठहर के अपने देश को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, अपने घर वालों को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। और यहाँ पर एक साल का कार्ड बनाया जाता है बैंक के अंदर, जैसे एक साल ख़त्म हो जाएगा तो वो कार्ड को अपडेट करना होता है। जो यहाँ पे दूसरे दो काउंटर हैं वो अपडेट वाले हैं। मैं आपको पूरे बैंक के अंदर का नज़ारा बता रहा हूँ, ये सारे लोग बैंक के अंदर लाइन में ठहरे हुए हैं पैसा भेजने के लिए। ये जो आप इधर सीधी तरफ देख रहे हैं, तो दोस्तों ये देखिए भीड़। हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे शेख हमीम यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।